Hi guys, please subscribe to my YouTube channel and press the bell icon for latest update. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. कैसे हो आप सब? मैं हूँ एमपी. और गाइज, अभी बज रहे हैं 8:45 सुबह के और अभी हम जा रहे हैं कहीं पे. जा कहाँ रहे हैं एक्चुअली, क्या है, आप सबको पता होगा कि छोटे बच्चों में जो जॉन्डिस है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है और हो जाता है. और हमें भी ना थोड़ा सा मतलब डाउट लग रहा है, बेबी की जो आईज़ हैं वो थोड़ी बहुत मतलब येलो येलो सी लग रही हैं और फेस भी येलो लग रहा है. डॉक्टर ने बोला था कि इसको धूप दिखानी है जब मतलब जब घर जब आप चले जाओगे तो सुबह की धूप दिखानी है. लेकिन क्या हुआ, जब ये हुई थी उसके अगले दो दिन धूप ही नहीं निकली. लेकिन उसके बाद धूप निकली, हम इसको धूप भी दिखा रहे थे, लेकिन हमें थोड़ा सा डाउट हो रहा है. तो एक्चुअली क्या है, एक शॉप है वहाँ पर, एक भाई वहाँ के जो शॉपकीपर हैं वो जो है जॉन्डिस का इलाज करते हैं किसी देसी तरीके से. मतलब कुछ एक थाली के अंदर कुछ दूध, कच्चा दूध लेकर के मतलब ऐसे ही मतलब करते हैं वो कुछ अपना. तो हम वहीं पर जा रहे हैं अभी ताकि इसका जो है कोई दवाइयाँ वगैरह ना देनी पड़े, क्योंकि अभी तो बहुत छोटी है ये. ऐसे ही अगर ठीक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें थोड़ा सा डाउट है, 100% श्योर नहीं है. और अगर है भी तो थोड़ा बहुत वो जो भैया जो करेंगे उससे वो निकल जाएगा. मैं शेयर करूंगी, अगर आप भी वहाँ पर जाना चाहते हैं, अगर आपको ज़रूरत है, भगवान ना करे किसी को ज़रूरत पड़े, बट स्टिल मैं एड्रेस वगैरह कोशिश करूंगी दे दूं, तो आप वहाँ पर जा करके जो है जॉन्डिस का इलाज करा सकते हो इजी फ्री में, बिल्कुल फ्री. एक्चुअली क्या है, हम नीचे चले गए थे लेकिन जसप्रीत को याद आया कि उनको कुछ सामान वगैरह चाहिए था और वो सामान कहाँ था मुझे पता था, इसलिए हम दोबारा से ऊपर आए और अभी हम लॉक वगैरह करके दोबारा जा रहे हैं नीचे. हेलो बोलो. हेलो एवरीवन. सो गाइस, अभी 9 बज रहे हैं और अभी हम जा रहे हैं कहीं, वो मैं आपको रास्ते में बताऊंगी हम कहाँ जा रहे हैं अपने बाबू को लेके. मम्मी आ जाए. तो गाइज, अभी हम यहाँ पे पहुँच गए हैं लेकिन अभी वो जो शॉप है वो अभी तक खुली नहीं है. वैसे मम्मी अभी देखने गई हैं, किसी ने बताया कि अभी वो जो भैया हैं वो नहीं आए, लेकिन मम्मी जो है वो देखने गई हैं क्योंकि गली जो है बहुत छोटी है. कौन सी शॉप? वही जो भैया करते हैं जॉन्डिस, जॉन्डिस ठीक करते हैं वो, तो इसलिए अभी आ गए, देखते क्या कह रही मम्मी. सो गाइज, ये यहाँ पर वो जो शॉप खुल रही है ना जिसका शटर ऊपर जा रहा है, ये है वो शॉप. और यार लाइन देखो, मतलब कितनी ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई है. सुबह सुबह का टाइम था और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे भीड़ भी बढ़ती जाएगी. और ये देखो, ये रात में बरात के अंदर उन्होंने कच्चा दूध डाला था और जैसे ही हाथ डाला ना सब ने मिल के हाथ डाला और सारा जो येलो कलर हो गया बिल्कुल, जो कच्चा दूध था, मतलब कि जो उनका जॉन्डिस था वो उतर गया. उनका 4-5 हज़ार ये आएंगे यहाँ पर तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा इनका जो जॉन्डिस है. ये देखिए यहाँ पे, ये इन्होंने वाइट कलर डाला और जैसे ये पेशेंट इसके अंदर वो डालेंगे ना हाथ, वैसे ये कलर येलो हो जाएगा. और ये देखें, ये हमारी गुड़िया है और इसके ये देखें, ये अभी ना कलर जो वाइट है ये बिल्कुल येलो हो जाएगा. आप देखिएगा यहाँ पर, ये देखो ये साइड में आ रहा है ना येलो कलर, ये देखो बिल्कुल येलो हो गया. ये देखें, सुबह सुबह बारिश हो रही है, बहुत अच्छा मौसम हो गया था और गर्मी भी तो इतनी हो गई थी यार कि बारिश होनी होनी थी. ये अगर मैं तो दसा, अगर फिर लगेगा ना कुछ भी तिलक नगर तो उन्हें बर्फी च पाके. हैप्पी बर्थडे. सो गाइस, अभी हम वहां से फ्री हो गए हैं. मोटू का है हैप्पी बर्थडे. सो अभी हम वहां से फ्री हो गए हैं और अभी हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास जहां पर डिलीवरी हुई थी, हम वहीं जा रहे हैं. और क्योंकि रूटीन चेकअप है, एक वीक हो गया है आज बेबी को, बिल्कुल पिछले महीने को ये हुई थी और आज पूरा 1 वीक हो गया और बस रूटीन चेकअप के लिए जा रहे हैं अभी हम वहीं. द
10 बज रहे हैं अभी, 10 बज रहे हैं ना? हाँ जी। तो चलते हैं अभी वहाँ। एक्चुअली आज क्या हुआ, मेरा जो मास्क है वो मुझे मिल ही नहीं रहा था, और सुबह सुबह हम निकले हैं ना तो कोई भी मेडिकल शॉप की जो दुकान है ना, मतलब कोई मेडिकल शॉप जो है वो खुली ही नहीं थी। और अभी 10 मतलब 10:30 वगैरह हो रहे हैं, तो वो पीछे आप देख रहे हो सैनिटाइज़र की एक बॉटल पड़ी हुई है बड़ी सी, तो वहाँ पे मतलब वो मास्क वगैरह मिल रहे हैं। तो जसप्रीत अभी वही लेने गए हैं, देखना मैं कैसे बैठी हूँ, इतनी मुश्किल से मैंने ये शॉल, यार इतनी गर्मी लग रही है ना, हालांकि अभी बारिश हुई है, थोड़ी बहुत बारिश हुई है तो उसकी वजह से हल्का सा कह लो कि मौसम ठंडा, और मैं यहाँ पर स्कार्फ़ और ये इतनी मोटी सी शॉल लेके बैठी हूँ। मुझे पता है मेरा हाल क्या हो रहा है इस टाइम, इतनी गर्मी लग रही है, और बालों में ना तेल लगा रखा है, मसाज वाली आंटी आती हैं उन्होंने बालों में तेल लगा रखा है और बोला कि अभी एक आधे दिन तक सिर नहीं धोना, नहाना नहीं है। यार मतलब ना हमारी माओं को ना हेड्स ऑफ है, मतलब मतलब बच्चा पैदा करना बहुत मुश्किल है यार, पैदा तो करना और उसके बाद ही इस तरीके से बैठना, ना पंखा चलाना, मतलब पंखा थोड़ा बहुत चला सकते हैं, एसी नहीं चला सकते। लो जी आ गए मास्क, थैंक गॉड। बनाओ, ये क्या कर रहे हो यार? अरे रुक तो जाओ यार, मैं मेरी आँखों कवर करती हूँ। करो ना, ठीक है यार, एक अच्छा बेबी यार, अब ठीक है। एक मेरे को भी दे दो ना। ले लो, आप तो लो गई, क्यों नहीं लेंगे, कितना बड़ा पैकेट ले हैं। ठीक है ना, तू अगले लॉकडाउन तक चलेगा? ओए कोई लॉकडाउन नहीं लगेगा, शांति रख। यार नहीं सीरियसली लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए भगवान जी, क्योंकि बड़ी मुश्किल होती है यार लॉकडाउन में, कहीं बाहर नहीं जाना, कोई बाहर का नहीं खाना, बड़ा मुश्किल हो जाती है। और अभी बाहर का मैं कुछ खा भी नहीं सकती यार 40 days तक, मतलब एक वीक भी बीत गया है, अभी कुछ दिन पड़े हैं, कुछ किसी तरीके से निकालो। और अभी मेरा कोल्ड ड्रिंक पीने का इतना ज़्यादा मन कर रहा है ना, मतलब क्या बताऊँ। मैंने जसप्रीत को बोला भी था कि यार एक बार पिज्ज़ा खिला दो, एक बार पिज्ज़ा खिला दो, डिलीवरी डेट नज़दीक है। लेकिन जिस दिन मैंने तय किया कि मुझे आज खाना ही है, उसी दिन ये मैडम आ गई और मेरा पिज्जा कैंसिल हो गया, है ना? हाँ जी, पापा के पैसे बचाए पिज्जा के, हमको नहीं बचाने पैसे, कोई नहीं, खाओ पिज्जा। ठीक है, तो चलो अभी हम डॉक्टर के पास चलते हैं। अरे वो की कहंदे ने तेनू, उन्हें पैसे देते सीगे, देओ पकड़ो पकड़ो, आ जा सोने। ओए सोने, अरे मेरी शर्ट भाई, ओहो अरे छोड़ो, अरे हाँ इधर पकड़ो, ओए भाई गुरु जी। हाँ जी जनाब, सो अभी हम हो आए हैं डॉक्टर के पास, क्या टाइम हुआ है? 11 बज रहे हैं और हम अभी होके आए हैं। ज़्यादा भीड़ नहीं थी, वो इसलिए क्योंकि हम अभी मॉर्निंग में हुए, वरना इतनी ज़्यादा भीड़ होती है ना यार, लोग दूर दूर से आते हैं। मतलब आज गाजियाबाद से कोई आया था ना, हाँ गाजियाबाद से, मतलब इतनी अच्छी डॉक्टर हैं कि दूर दूर से बंदा मतलब आ रहा है यहाँ पे, बंदा नहीं मतलब बंदी, बंदे भी साथ ही आ रहे हैं। हाँ भाई, और बस अभी हम जा रहे हैं घर, उन्होंने बोला है कि बिल्कुल ठीक है बेबी भी और आप भी, और नेक्स्ट वीक फिर से बुलाया है, मतलब चेकअप वगैरह तो अभी होगा ही, तो नेक्स्ट वीक हम फिर से जाएंगे। और बस, और आज यार कुछ खाना पीना नहीं हो पाएगा क्योंकि आपको पता है बाहर का कुछ खाना नहीं है, तो मैं बड़ा मिस कर रही हूँ यार जंक फूड। मैंने इनको बोला यार चाय पिला दो, वो भी नहीं पिलाई इन्होंने बाहर की, कह रहे हैं कि घर जा कर पीना, इतना अच्छा मौसम हो रहा है। और वो जो चाय हॉस्पिटल के बाहर एक चाय वाला, उसकी चाय इतनी मस्त होती है ना, मतलब मैं क्या बताऊँ, डिलीवरी से पहले मैंने पी थी यार, क्या मस्त चाय थी, है ना? हाँ जी,
मस्त चाय। हाँ, और बाहर की चाय वैसे बड़ी टेस्टी होती है, पता नहीं क्या क्या यार, इलायची अदरक पता नहीं क्या क्या डालते हैं, समझ नहीं आता, इतनी गाढ़ी चाय होती, टेस्टी चाय होती है। तो चलो अभी हम घर पे चलते हैं, बहुत ट्रैफिक है यार, बहुत ज़्यादा, पता नहीं बारिश की वजह से है किसी की वजह से, बट बसें ही बसें दिख रही हैं। सो अभी बज रहे हैं 12 और हम घर पहुंच गए हैं। ये देखो गुड़िया के पापा ने बैलून लेके दिया, जैसे तो अभी वो खेलेगी इससे। बोल रहे रेड लाइट पे ले लो और आपने ले लिया। फैन ऑन कर लो, बटन लिफ्ट में खड़े 10 मिनट हो गए, ऑन नहीं करी, एक घंटा नहीं हो गया लिफ्ट में। देखा मम्मी की ना झूठ बोल दिया मैं। खुश हो पापा बन गए? कितना बहुत ज्यादा प्रमोशन हो गया है। चलो और दादी ने क्या बन चल रहा है, खुश रहे नु देखता। हाँ अच्छा जी। क्या खा रहे हो बुआ? देखो बुआ ने क्या भेजा है, कनाडा का माल भेजा है, इंटरनेशनल फ्रूट। अरे तनिक चेहरा दिखाइए, तनिक चेहरा दिखाइए अपना खूबसूरत सा। नहीं दिखा रहे सोमवंती मम्मी, कितने नाम रखे तुसी अदे, दोबारा रिपीट करो। मैं बड़े नाम रखे, सोमवंती, गुड्डू, बादशाह, एक सोन मछली भी है, सोन मछली है मेरे उठे मेरे गुड्डू, छोनिया मेरी मोनिया, चौमिन बर्गर नहीं ले आके दे रहे, उंगलियां ही खानी है, चौमिन बर्गर खाने हैं और की आप कहे तू खाने है, तेरा मन कर रहा है। थोड़ी जी वड्डी हो जाए फिर मैं कन्ना च फुका मारा करांगी, पापा नूं मैक भी लेके चलन, पापा नूं डोमिनोज लेके चलन, भावे आप खाए ना खाए, है ना मम्मी। हाँ जी, सो अभी बज रहे हैं 10 और डिनर हो गया है, बीच में व्लॉग नहीं किया था मैंने, सो गए थी यार मैं, और 10 फीट गए हुए हैं अपने फ्रेंड्स के पास, और यार मेरी आईज़ देखो, मतलब इतने ज़्यादा डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, नींद पूरी नहीं हुई यार, हफ्ता हो गया आज, बिल्कुल भी नींद जो है वो पूरी नहीं हो रही है, मतलब रोज़ मैं कह लो 2 घंटे 2.5 घंटे ऐसे सो रही हूँ, और शुक्र है यार इतना भी मुझे ये मैडम सोने दे रही है, ये तो नींद पूरी बिल्कुल ही ना हो। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, आई होप आपको मेरा ये वीडियो जो है वो पसंद आया होगा, अगर हाँ तो प्लीज़ जल्दी से इसको शेयर कर दो, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल बटन को आप प्रेस कर दो, और ये बिल्कुल फ्री है, किसी भी तरीके की आपके कोई पैसे नहीं लगने वाले हैं। मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।